अब तो जिले इतने बना दिए कि सारे जिलों में मुझे नाम याद नहीं, कई तो डबल डबल नाम रख दिए। हमारा नागौर में रख दिया कुचामन डीडोना, कभी लिख देते डीडोना कुचामन, पता ही नहीं लगता था कभी डीडोना है कुचामन, कभी कुचामन डीडोना जिले से नीचे लेटर आता डीडोना कुचा, अलग मोर बना रखी अधिकारी ने। वहाँ का जो एड्रेस एडीएम है वो उस एमएलए के दबाव में लिखता है जिला कुचामन डीडोना, और डीडोना वाला लिखता है डीडोना कुचामन। आप बताओ कौन से को माने, आप बताओ मुझे। ये तो बींद कौन बींदनी कौन, वही बात होगी जो बींद कौन है बींदनी कौन है। आप बताओ ऐसे ऐसे जिले बना दिया 100 किलो कोटपुर के अंदर आना चाहती है, अनूपगढ़ के अंदर डाल दिया, हमने इस आंदोलन को समर्थन भी दिया और हमने कहा अगर नहीं बनाते हो नया जिला और बना दो, क्यों आपका हाथ की बात है गहलोत जी, आपने इतनी रेवड़ियां बांटी है 10-15 और बांट दो चुनाव तक, इतने आचार संहिता लग जाएगी। और भाई ये तो एक बात है, रेवड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन एक काम कैसे होगा, अभी जितने भी टेंडर है वो मीडिया वाले सुने आप, जितने भी टेंडर है बजट की घोषणा है वो तो सारी भी कागजों में पड़ी है, आचार संहिता लग जाएगी, तो आचार संहिता के बाद कैसे टेंडर खुलेंगे, कैसे सड़क बनेगी, कैसे स्कूल बनेगी, कैसे नया कॉलेज बनेगा, कैसे पानी आएगा, बताओ मुझे। इतनी घोषणाएं हैं और बीजेपी निकली है कौन सी यात्रा लेके, क्या बचाएंगे क्या करेंगे। तब नहीं सहेगा राजस्थान, वसुंधरा जी को सह लिया, दूसरों को नहीं सहेगा। अब जब वसुंधरा को ही सह लिया तो फिर नारा किसके लिए दे रहे हो, या तो ये नारा देते कि हमारे जो भ्रष्टाचारी थे उनको निकाल के फेंक देंगे। ये लाल डायरी की कहानी क्या आपको पता है, लाल डायरी के अगले पन्ने अगर खुलते है वो जो पूरी बीजेपी थी, खुलने नहीं दिया उन पन्नों, चुप कर दिया कि लाल डायरी वाले भैया आप शांत हो जाओ, हम आपको टिकट नहीं दे सकते क्योंकि हमारी बदनामी हो जाएगी कि लाल डायरी बीजेपी ने करवाई, आप ऐसा करो किसी और को पकड़ लो और समझो तो हम आपको सीट दे देंगे, ताकि बदनामी अगले की जी तो हारो तुम्हारे कर्म, क्योंकि तुमने लाल डायरी दिखाई और हमारे लिए जूते भी खाए विधानसभा 40 मिनट पिटते रहे तो तुम्हें इस बात का उत्तर देंगे।